हाय गाइस, ये जो वीडियो है हमारा इस सीरीज का 7वां पार्ट है और इसमें हम लोग फेसबुक ऐड के मटेरियल को डिजाइन मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब डिपेंडेंसी, मेटा डाटा, हर चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एवरीथिंग। तो यार अगर आपको सीखना है तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार लोग ऐप इसलिए बनाता है, अगर आप ये ऐप बना रहे हैं तो यार कुछ पैसे कमाने के लिए ही बना रहे हैं, यार फोकट में किसी को देने के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए यार कि ऐड लगता कैसे है, उसका क्या प्रोसीजर है। और मैं इस ट्यूटोरियल में बनाने वाला हूँ फेसबुक ऐड के बारे में, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि फेसबुक कैसे लगता है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए हमारे सामने हमारे इस चैनल में दिया हुआ प्लेलिस्ट जिसका नाम है यहाँ फेसबुक ऐड ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें आपको कुल 7 वीडियो मिलेगा। अगर आपने ये 7 वीडियो देख लिया ना, तो मैं ये दावा साथ बोल सकता हूँ कि यार आपको फेसबुक ऐड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा यार कि आप ये वीडियो देख सकते हो आराम से क्लियरली, 7ों 7ों वीडियो, उसके बाद ही आप कुछ आगे बढ़िए। क्योंकि यार देखिए, जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो यार आप एक कंप्लीट ऐप डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि यार एक ऐप डेवलपर का काम रहता है यार कि अपने ऐप को मोनेटाइज करना, ऑडियंस के साथ भेजना, फैलाना, शेयर करना, और उसके साथ में मनी को भी अर्न करना। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ फेसबुक से कैसे हम लोग मनी अर्न करते हैं, उसके लिए क्या क्या ऐड में क्या क्या डालना पड़ता है, कितने सारे डालना पड़ता है मेटा डाटा, सारे चीज़ को अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो भी शॉर्टकट में। क्योंकि लॉन्ग कट में अगर जाना है आपको, अगर जाना है डिटेल में, तो देखिए आपके लिए मैं यहाँ ट्यूटोरियल पहले बना चुका हूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो हाय गाइस, मैं दिनकर, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल दिया गया बेल आइकन उसको आप प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और न्यू वीडियो का मज़ा ले सकते हैं और न्यू चीज़ आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अपना प्रोजेक्ट में, ये हमारा प्रोजेक्ट। और देखिए फेसबुक ऐड के लिए सबसे पहले चाहिए हमको फेसबुक का डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि आपको फेसबुक डिपेंडेंसी अगर जानना है, तो आपको मेरा जो ट्यूटोरियल बना हुआ है प्लेलिस्ट पूरा 7 वीडियो का, वो आपको वॉच करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसमें मैं डायरेक्टली शॉर्टकट जाने वाला हूँ, सीधा मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो पहले मैं कॉपी करूँगा, यहाँ जाता हूँ सीधा ग्रेडल के अंदर में, जैसे मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ मिनिमाइज कर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा ग्रेडल स्क्रिप्ट रहा, इसके अंदर में यहाँ देखिए हमको इसके अंदर में यहाँ हमको फेसबुक का ऐड यहाँ सेट करना है, मतलब फेसबुक का ऐड के लिए यहाँ हमको डिपेंडेंसी सेट करना है। तो देखिए टाइम टू टाइम डिपेंडेंसी चेंज होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली कि जब मैं इसको पहले मैं करता हूँ कॉपी डिपेंडेंसी को, देखिए मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ आपको सीधे पेस्ट करता हूँ सीधा। और देखिए एक बात मैं क्लियरली बोल दूँ, देखिए कि यहाँ हमने जैसे डिपेंडेंसी पेस्ट किया, यहाँ देखिए यहाँ इसका जो है HDK वर्जन में यहाँ आ गया है एरो और येलो कलर। तो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इस जो है इसका जो वर्जन है वो हो गया है चेंज। तो यार मैं यही बोलूँगा, देखिए यहाँ दिखा रहा है वर्जन 5.53 मैं यूज़ कर रहा था, अब यहाँ आ गया है 6.5.1। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा इसके पॉइंट पर, यहाँ देखिए नीचे बगल में आएगा बल्ब टाइप का, यहाँ क्लिक करना है और जो रहेगा लेटेस्ट वर्जन यहाँ दिखा देगा, क्लिक करना है उसके। देखिए यहाँ आपको सिंक नाउ पर क्लिक करना है, लेकिन अभी आपको मैं सिंक नाउ पर क्लिक करना नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी पेस्ट करना बाकी है। तो देखिए ये हमने बुल्ड ग्रेडर में गया और यहाँ इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है। अब हम लोग को जाना है ऊपर ला बुल्ड ग्रेडर में, देखिए हमारे पास जब भी हम लोग डालते हैं डिपेंडेंसी, तो हमारा जो रहता है मॉड्यूल ऐप उसमें हम लोग डिपेंडेंसी यूज करते हैं, लेकिन ऊपर जो रहता है जो बुल्ड ग्रेडर उसमें जो रहता है प्रोजेक्ट का नाम ठेकान, वहाँ आपको यहाँ भी कुछ यहाँ फेसबुक ऐड के लिए यहाँ भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ही आपका फेसबुक ऐड आपको चलेगा आपके डिवाइस में, आपके ऐप में, और उससे आप कुछ मनी अर्न कर पाएंगे। क्योंकि यार फेसबुक क्लियरली बोलता है इस बात को कि जो भी मेरा कोड है, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है, उसको आप फुलफिल कीजिए तो ही मैं आपको पैसा दूंगा, यही है रूल। तो चलो फिर इसका कोई कोड सेट करते हैं। तो इसमें जो है कोई बड़ी कोड नहीं है, यहाँ देखिए रिपोजिटरी में आपको सिर्फ टाइप सेट करना है मावेन सेंट्रल को, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया, और नीचे भी दिया रहता है रिपोजिटरी, दोनों रिपोजिटरी में आपको सेट करना है मावेन सेंट्रल, ठीक है। ये हमारा फेसबुक ऐड का कोड है, ठीक है। इसके बिना आपका ऐड का जो रिवेन्यू है आपको नहीं मिलेगा, तो ये यार इस बात को आप ध्यान रखें क्लियरली। ऐसा नहीं है कि वीडियो स्क्रीन का अगर आप देख रहे हैं तो पक्का आप पछताने वाले हैं, इसलिए मैं बोलता हमेशा कि यार वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं कब क्या बोलता हूँ यार आपको भी, मेरे को खुद पता नहीं रहता कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, कुछ टाइम क्या मैं आपको दिखाऊंगा, किस टाइम मैं आपको दे दूंगा अपडेट, कोई पता नहीं रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार वीडियो को कंप्लीट देखा करो। आप देखिए दो चीज़ आपने कर लिया, यहाँ इसका डिपेंडेंसी सेट कर लिया इसमें, और इसका जो था लेटेस्ट वर्जन वो भी चेंज कर लिया, फिर इसका जो था मावेन सेंटर उसको सेट कर लिया। अब हमको सिंक नाउ पर क्लिक करना है, और जब तक सिंक ना होता है
तब तक हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार वेट करना, क्योंकि अगर आपको वेट नहीं करेंगे तो यार उसके बाद आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। ये देखिए हमारा बहुत फास्ट सिंक नाउ हो चुका है, और अब हमारा काम आया स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू को सेट करना, ठीक है, क्योंकि फेसबुक ऐड सेट करने के लिए हमें कुछ वैल्यू सेट करना पड़ता है। तो देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ हमको कुछ वैल्यू को सेट करना पड़ता है, तो वो भी वैल्यू मैं सीधा कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप मेरा वो ट्यूटोरियल फेसबुक ऐड वाला जरूर देखिए, क्योंकि आपको यार समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे मैं कहाँ से स्ट्रिंग ला रहा हूँ। उसको मैं फटाफट सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, टोटली डिटेल आपको उसी वीडियो ट्यूटोरियल में मिलेगा जहाँ मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए यहाँ स्ट्रिंग में हमको यह करना क्या है, पहले फेसबुक का आईडी लेना है, आईडी डालना है, तो सीधा मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और देखिए हमने यहाँ फेसबुक का बैनर ऐड और एक इंस्टेंशियल ऐड भी ले चुका हूँ, ठीक है, मतलब फेसबुक का बैनर ऐड यहाँ मैं सेट कर दिया और इसका इंस्टेंशियल भी ऐड भी यहाँ सेट कर दिया हूँ, और उसमें फेसबुक का आईडी सेट कर दिया हूँ। अब हमारे पास बचिया है मेटा डाटा, तो वो कहाँ सेट होता है वो आपको जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट के अंदर में। और देखिए यहाँ आपको इस एक्टिविटी फिल्टर के अंदर में, मतलब एप्लीकेशन के अंदर में, इसके नीचे आपको मेटा डाटा सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए, और देखिए मैंने कॉपी कर लिया है डायरेक्टली, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ सीधा, क्योंकि मैं आपको कुछ उतना दिखाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि टोटली का मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में, और इसके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल बना चुका हूँ मैं पहले। तो देखिए यहाँ हम लोग फेसबुक का मेटा डाटा पहले ऐड कर लिया। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि फेसबुक में कितने चीज़ ऐड होता है, सो फेसबुक ऐड दिखाने के लिए आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहला हो गया मेटा डाटा पहला, दूसरा हो गया यहाँ ग्रेडल में आपको मविन सेंट्रल को यहाँ यूज़ करना दोनों जगह, और इसका डिपेंडेंसी जो रहेगा वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तीन डिपेंडेंसी मैं फेसबुक के लिए यूज़ किया हूँ ऐड के लिए, पहला ऑडियंस नेटवर्क के लिए, दूसरा एचडीके के लिए, और तीसरा जो है एनोटेशन के लिए, जो कि इसका जो वर्जन है 28.0.0 है, ठीक है। तीन चीज़ यूज करने बाद ही आपका जो फेसबुक ऐड है वो आपके ऐप में चलने के लिए तैयार होगा। तो यही थी छोटी सी वीडियो जो मैं बता रहा क्लियरली कि कैसे हम लोग इसमें फेसबुक का मटेरियल जो होता है पूरा डिपेंडेंसी मेटा डाटा और उसका जो होता है आईडी कैसे सेट करते हैं, तो आपने देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था लाइक कीजिए, अगर कोई सेकंड किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।